जब मैं राजनीति में पहले आया 2004 से तकरीबन 2008-09 तक, तो हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाह-वाह करता था, याद है आपको। फिर मैंने दो मुद्दे उठाए, एक मैंने नियामगिरी का मुद्दा उठाया और दूसरा मैंने भट्टा परसोल का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ डट के खड़ी रहेगी। द मोमेंट आई रेज द क्वेश्चन ऑफ लैंड एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड टू डिफेंड द राइट ऑफ पुअर पीपल ऑन द लैंड इज व्हेन दिस होल मीडिया तमाशा स्टार्ट्स। हम आदिवासियों के लिए पैसा कानून लाए, वन अधिकार कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए और उसके बाद ये सारे के सारे 24 घंटा मेरे खिलाफ लिखने शुरू कर। जो हिंदुस्तान के एसेट्स थे वो महाराजाओं से हिंदुस्तान की जनता को दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, अब वो बीजेपी उल्टा कर रही। अब ये आपके एसेट्स हैं, आपसे छीन छीन कर फिर से महाराजाओं को देने की कोशिश कर। और अगर हिंदुस्तान की जनता, आदिवासी लोग, गरीब लोग एक साथ खड़े हो जाए तो ये काम बहुत आसान है, मगर अगर बिखरे रहेंगे तो फिर ये काम नामुमकिन है। कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए, अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है। द ब्यूटी ऑफ इट इज दैट इट डजंट वर्क। द ट्रूथ हैज अ नास्टी हैबिट ऑफ पोकिंग इट्स नोज आउट फ्रॉम हियर एंड पोकिंग इट्स नोज आउट फ्रॉम देयर। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। ये एक प्रकार से मेरा गुरु है, ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना, इधर नहीं।